गढ़ा करवा रहा है एक साथ समूह में अपनी परंपरा की गाड़ी को आगे खींचने में जो आनंद है और उसका जो सुखद अनुभव होता है वो साइनिक नहीं होता। हमारे देश में अनेक सभ्यता है, अनेक संस्कृति है, अनेक समाज है, अलग अलग रंग रूप के लोग, अलग अलग बोलचाल के लोग, वास करते हैं और सभी लोग कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को बचाने के लिए एकजुट हो गए और ये जरूरी है कि हमें भी आदिकाल से चला आ रहा है उस परंपरा को बचाने का, उसको आगे और बड़े बड़ा करने का जिम्मा हम सब लोगों का व्यक्तिगत रूप से भी जरूरत पड़ता है। मैं तो समझता हूं अगर धरती में जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, अगर पेड़ है तो उसका जड़ यहाँ के आदिवासी, अगर यहाँ के आदिवासी ना होते तो पेड़ नहीं। इसलिए मैं समझता हूं कि हम सब लोग आने वाले समय में भी अपने इस व्यवस्था को अक्षुण रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं आप लोगों के आशीर्वाद से इस राज्य में के मुख्य पद पर बैठा हूं मुख्यमंत्री के रूप में। आज आदिवासी हॉस्टल में हम लोग आए हैं, मैं पहले भी आया और यहाँ के तो जर्जर रास्ता है उसको भी मैंने देखा है, महसूस किया है और हमने सरकार में ये निर्णय ले लिया है उसके लिए भी बड़ी राशि हमने उपलब्ध कराई है और अब पूरे तेजी से पूरे राज्य में जितने भी हमारे आदि आवासीय हॉस्टल या कल्याण विभाग के ये हॉस्टल्स हैं इन सब का जीर्णोद्धार किया जा रहा है और उसमें जो खामियां हैं और उसमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं इसके लिए भी हमने सोच रखी है। अब हमारे सभी कल्याण विभाग के हॉस्टलों में रसोईया का भी उपलब्धता हम करने जा रहे हैं, चौकीदार का भी उपलब्धता करने जा रहे हैं और उस कल्याण विभाग के हॉस्टल में भोजन का भी उपलब्ध सरकार करने जा रहा है। आप जो आप घर घर से अपने अपने तरीके से दाल चावल लाते थे, लकड़ी कोयला यहां वहां से लाते थे और खाना पकाने का खुद से काम करना पड़ता था, उन सबको हम समाप्त करने जा रहे हैं और इसके लिए जितना भी इसमें खर्च लगेगा सरकार उसका वहन करेगी। अरे घूमना कैसे करो, खुद हमारे मुख्यमंत्री आज हमारे यहाँ हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, इसी का संदेश देकर हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री
the followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in